अब जी इंडिया आया हूँ तो फाइनली अपने घर जो हमारा नया बन रहा है उसका जाके स्टेटस भी देखना, इसलिए मित्र प्यारों को भी बुलाया। गुलाटी साहब जो घर बना रहे हैं वो भी आ रहे हैं और अब बस गाड़ी लेके निकलना क्योंकि सारी जो है ना जल थल हुई पड़ी है, बारिश हुई तो पानी भर गया। गाड़ी अंदर करवाई है ड्राइवर भी ऐसे ताकि अपन बैठ के निकल सके, वरना पैर जो है ना सारे चिकड़ चिकड़ हो जाए। वाह जी वाह, कमाल हो गया। जो भाई साहब जनरली लेट आते हैं हाँ टाइम पे पहुंचे हुए हैं, और जो वैसे थोड़ा कम ही टाइम पे आते हैं वो लेट हैं। तो मिस्टर सुखविंदर सिंह तो अभी तक नहीं पहुंचे जबकि बड़ी देर से उनकी ओके आई हुई है, बट काम तो सही लग रहा है थोड़ा आगे। ओ जो यहाँ पर टूटे हुए थे छड़े सारे उन्होंने जोड़ दिए हैं, एलिवेशन पे काम बढ़िया हो। How are you? एकदम बढ़िया सर, वेलकम। दो तीन दिन हो गए मेरे को आए हुए, मेरे को तकलीफ नहीं दे रहे थे, बट सर एक ही बार चलेंगे। अजय सुकुंदर जी हाँ। लेट आते हैं, मुझे जैसे ही आएगा तो मेरे को उसका फोन आया था डॉट 15 मिनट पहले कि मोहित जी मैं 7 मिनट पे आपकी लोकेशन पे आऊंगा। अच्छा, तो अपनी तरफ से मैं डबल टाइम लगा के आया हूँ। 14 मिनट। हेलो, जल्दी आ जाओ, हम तो वेट ही कर रहे हैं आपके। दोनों लोग चश्मे पे ओस जम गई, इतनी ह्यूमिडिटी हुई पड़ी है ना यार, कैमरे को भी बड़ा टाइम लगा, वरना इस पे भी लेंस पे ओस जम जाती है बाहर निकलता। हमारी सब्जी में नमक है। क्या हाल है मनोचा जी? कह रहा आप हमारी जिंदगी में, तुम्हारी सब्जी में नमक है। चलो और नमक डालो, थोड़ा नमक डालो सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर, जब जले पे बहुत डालते हो। आपके आपके प्लॉट पे चल रहे हैं सर, फ्लैट पे। हाँ सर, प्लॉट नहीं बोलना, फ्लैट बोलना। हमारे ग्रोवर साहब नाराज हो जाएंगे जिनका प्लॉट है। और सर आओ सर, जब हमें आप मकान दोगे तो ये स्टिल्ट पे हो जाएगी ना? पूरी तैयार होगी सर। आपको बताना क्यों बुलाया? आप गवाह के लिए बुलाते हैं चीज के लिए। एक तो गवाही है प्लस कठोर सवाल पूछने हैं आपने, क्योंकि मैं पूछूंगा तो लोग मेरे पे पड़ जाएंगे। सर आपको कठोर सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम हो रखा है बस, मजा इसी बात का। ओहो वाह जी वाह, ट्रायंगल एंट्रेंस। ओहो आपकी सारी लाइट लगी, लाइट जला दे भाई, भाई की। हाँ, ओ, हम तो ऐसी चिंता करते लाइटिंग कम होगी, शाम को वीडियो शूट करेंगे तो। आपने भाई दे दे के बुलाया मेरे को। और ये आपका बिलम बम्बू दिया पा रहे थे सर, मेरे को बड़ा जरूरी काम लगा अभी। ये देखो जी, करवा देंगे आपका फुल वॉल एलईडी पैनल। लो सर, वाह जी वाह, प्रॉमिस किया था गुलाटी साहब ने। हां फुल वॉल एलईडी पैनल बनने वाला है, काफी काम है। जोड़ दूंगा भाई को, जला के दूंगा। हां तो भाई के लिए पहली बार दे रहे हैं और यहां सारी मेहनत करा रहे हैं ये, और राकेश जी हैं। वेरी गुड राकेश जी, मजा आ गया। ठीक है जी, हम एक्स्ट्रा सेवा करके जाएंगे। राकेश जी स्टेटस की फोटो रेगुलर भेजा करो और हॉरिजॉन्टल भेजा करो, मेरे को अपनी वीडियो में डालनी होती है। आप सीधी नहीं थे भैया, मैं आपके करूंगा, मेरे भाई को टाइम पे मिलना चाहिए। मैं करूंगा राकेश भैया की सेवा, और बढ़िया बढ़िया वाली, छोटा मोटा नहीं। राकेश भाई आपकी सेवा करिए कभी। नहीं नहीं भाई, भाई को बोलो जेब से 1100-2100 निकाल के अभी दे दे। लो यार इधर आ भाई, राकेश इधर आ यार, तू इधर आ मेरे भाई, ये ले। अरे इधर आ दोस्त, सुन 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 सुन, सबके लिए वीडियो बना ले फिर वापस कर दियो। उनका मतलब कल काम ही बंद हो जाए। क्यों पेट खराब होंगे, पेट खराब क्यों होंगे भाई ने? भाई मुंह में कील ही कील भर रखे हैं, दिखाइए भैया कितने कील भर रखे हैं। साथ में तो बाबू भर रखे हैं। अच्छा, नहीं कई बार कील भर लेते हैं मुंह में। अच्छा, भरने भी चाहिए यार, पता नहीं कौन सा मेटल। कमिंग टू द नोट, मोल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया। स्पेशल आपके लिए, हाँ जी, 4 इंच की मोल्डिंग बनवाई स्पेशल। वेरी गुड, कोई भी मोल्डिंग 1.5-2 इंच से चौड़ी नहीं होती, और ये पूरी मोल्डिंग में देखो काब है। भाई साहब एक सेकंड, ये भी बता दो लकड़ी कौन सी लगाई है? लकड़ी तो दिख ही रही है, आइवरी कोस्ट लगाई है। ये नागपुर टीक है भाई। हाँ नागपुर टीक लगाई है। और सुनो, चौखट के लिए? चौखट के लिए नहीं, मोल्डिंग के लिए सर। चौखट तो है आपकी साल, साल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुड। ओके, और ये जो है ना देखो, ये सारी टेपर है, ठीक है। अच्छा, कार्विंग का काम करा रखा है सारा। ओके नहीं, ओके, ओके पूरी कार्विंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी ब्यूटी देखनी हो ना तो, हाइट से बड़ा फर्क पड़ता है यार, ओपननेस आ जाती है। 4 इंच उठ गई ना, 4 इंच मोल्डिंग उठ गई। ये सेम मोल्डिंग सारी कस्टमाइज कराई है। अच्छा सुनो, मोल्डिंग सारी अभी चेंज कराई है मैंने। मैंने पहले मोल्डिंग बनवाई थी 4 इंची की एक और। अच्छा, उसकी फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ आपको। मेरे दिल में भाई नहीं, मैंने सारी डिमोलिश करा दी।
ओके फिर नहीं बनवाई है। वेरी गुड वेरी गुड। पत्थर भी लग गया सारा, पत्थर तो पहले लग गया था ना, ये डिमोलिश नहीं करा, दूसरी साइड पे लगा दी, ये पड़ी सारी डिमोलिश कर। अरे राकेश बेटे वो जो पुरानी मोल्डिंग फोटो दिखा। नहीं नहीं ये वो थोड़ी ना सर, आप वो आपने कौन से, ये तो कार्डबोर्ड का कुछ हुआ है। तो क्यों स्क्रूटनी करने लग रहा है? एक कह रहा तूने 1000 रुपए दिया, अगलों का पेट ना खराब हो जाए, दूसरा कह रहा तूने लगा के दूसरी जगह लगा दी होगी यार। सर आपने कहा था कटोर कटोर सवाल पूछो, स्क्रूटनी करूँ ना? ठीक करो। डॉक्टर साहब आए हैं, इंजेक्शन भी ना लगाए। तूने 1000 रुपए और लगवा दिए और कठोर हो गए, बढ़िया होगा। अच्छा भाई दरवाजा खड़ा करके देखो, बंदा बोलो डोर सारा आपका डोर। एक चीज पसंद नहीं आई, एक चीज पसंद नहीं, ये दीवार हटवाओ ना, ये वाली नहीं। अबे ये नहीं हटवानी, इससे लगवाइए जबरदस्ती, हटा दी थी मैंने, दोबारा लगवाई है यार, इसे तो शो खराब हो रही है। इससे प्रोजेक्ट की भूल यार, तू पागल है? मैं तो इसको गालियां देने का मन कर रहा था, तेरे को गाली बकती चाहिए। वीडियो सेट के ऊपर चलना, जो ग्रैंड एंट्रेंस आती है इसके बाद छोटी करवा ले, थोड़ी थोड़ी छोटी करा ले यार, तू दीवार का पर्पस ही नहीं समझ आ रही। मेरे को पता है क्या पर्पस है, वो रखने ऑफिस बनेगा यहाँ पे, वुडन पार्टीशन लगेगी तभी ये सारा अलग किया है, यहाँ पे ग्लास की पार्टीशन होगी पूरी ट्रांसपेरेंट वाली, स्लाइडिंग ग्लास वाली। अरे भाई लुक, भाई मेरे पास स्पेस चाहिए अलग से, जिसके लिए पूरे घर के एसी ना चलाने पड़े, अंदर एक एसी लग जाए। अच्छा आपने वो मूव कर दी एसी की, वो तो कर दे ठीक है। नहीं नहीं एक अंदर भी चाहिए, दे दिया भाई आप। अच्छा अंदर दे दिया, हाँ हाँ मैं कहता क्योंकि अंदर यहाँ पे ऑफिस एरिया बन रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक एसी के लिए वो चाहिए होगी। चलो ये आ गई दूसरी, ये वाली बाहर मूव करनी पड़ेगी। अच्छा ये वो है ड्रेन वाटर पाइप पीछे से, और एक आगे से भी है, आगे से भी। काम बोलू, इस दीवार को थोड़ी छोटी करा ले, शीशे की वो लगवा ले, पैनल लगवा ले। अच्छा सर शीशे के ही लगेंगे, फ्लूइड ग्लास पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे शीशा लगा लेते। अच्छा सर। अरे यार ऑफिस के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है भाई, हम कोई काम कर रहे हैं, बंदा कोई घर में घुसे सीधा, मैं नहीं चाहता कि सीधा हमारी स्क्रीन नजर आ रही हो, समझ रहे? यहाँ पे क्या कहते हैं वो लगवा दूंगा मैं, इचिंग करवा दूंगा ग्लास के ऊपर। भाई तेरे को पसंद है? अरे मैं बैटरी काम कहाँ करूंगा पूरे घर में, मुझे बता दे, कमरे ही कमरे हैं, बेडरूम में थोड़ी काम करूँ, कमरे भी तीन है भाई। यहाँ का एलईडी पैनल ये भी घड़ी वाला स्टार्ट हो गया। बाथरूम अभी टच नहीं हुए, बाथरूम का कब आएगा सर? टाइल्स आपको दिखाएंगे, आप पसंद करो फिर आपको ले जाते हैं। करवा दो सर मेरे जाने से पहले, डन होगी होगी सर, होगी टाइल्स का भी करो। ये डोर देखो, ट्यूब डोर है सर। अच्छा ये सारा फ्लूइड डोर है, ये सारा सीएनसी वर्क हुआ इस डोर पे पूरा। अच्छा कंप्लीट, इट्स नॉट अ नॉर्मल डोर, लाइक मेलामाइन पॉलिश नहीं है। ओके इस पे पीओ हो रहा है, डीको हो रहा है। ओके अब जी घर की एंट्री। हां सोनू से क्या 14 में नहीं है? जलेबी खाए, जलेबी खाने हैं, समोसे खाने हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आया तो शाम का टाइम है, बाकी ऑब्वियसली आपको नक्शे का तो मेरे हिसाब से पता ही है सारा। ये तो लिविंग एरिया हो गया, ये मम्मी का रूम है, अभी इसमें आते हैं। मगर जो सारा डिस्प्यूट है ना वो इस दीवार का, जो ये दीवार है ना इसका ये है कि एंट्री होते ही ना एक वेलकम वॉल, यहाँ पे बढ़िया सी एक पेंटिंग या ऐसा चल रहेंगे, यहाँ पे टेबल रखेंगे, बुद्धा स्टैचू आ जाएगा, ऐसे कुछ करेंगे। होगा पिछली बार आपकी फॉल सीलिंग चेंज करानी थी, वो करा दी हमने। ओके वेरी गुड, ये भी ऊपर जो है ये चेंज करा दिए, ये है ना ऐसा ही था ये पूरा इसके अंदर, मगर ये दो ना पूरे फिर इसके साथ रेशो नहीं बन रही थी इस दीवार के साथ, तो ये हमने ऐसे करवा दिए जो अलग, पर ठीक है आपस में सेपरेशन बन गई ना उस एरिया में और इस एरिया के अंदर। गुड है सर, गुड है, गुड है, गुड है। बाकी ये फैमिली रूम एरिया हो गया, यहाँ पे जो है ना बढ़िया अपना टीवी वगैरह लगेगा। इस तरफ हमने सोचा था कि एल शेप ऐसे एक सोफा यहाँ पे लगा देंगे, और पीछे जो है ना वो ऑफिस एरिया हो जाएगा, स्लाइडिंग डोर, ग्लास डोर वाली एंट्री, इसको पूरा ग्लास से बंद करके, पुरानी वीडियोस में आपको याद होगा, बट अब थोड़ा सा कलर वगैरह पेंट वेंट आ गया, लाइट वाइट हो गई, थोड़ी शक्ल निकल आई है ना, तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है, खुला भी लग रहा है। फुल फुल वॉल एलईडी पैनल है। अच्छा ये फुल वॉल एलईडी पैनल होगा यहाँ पे, इतने भी इसके एलईडी पैनल ना भाई, वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 फुट लंबे हैं और 10 फुट से ज्यादा चौड़े, कि इसको फुल फुल वॉल फील मिले। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया भाई का काम, बहुत जबरदस्त काम, बढ़िया बढ़िया। आप जीजे का फोन मिला।
सर पूरी कोठी में ना आपके सारे स्विच सॉकेट कंप्लीट हो गए। ओके, और ये हैवेल्स की सबसे प्रीमियम सीरीज है जो हमने लगवाई है विद ग्रे कलर। व्हाइट कलर इज चीपर, अच्छा ग्रे इज एक्सपेंसिव। ओके राइट, सो वी हैव गॉन फॉर ग्रे आल्सो एंड दिस इज ऑल लाइट्स आर ब्लैक पाउडर कोटेड कंप्लीटली ब्लैक। ओके, द इनर बॉडी इज ऑल्सो ब्लैक, आउटर बॉडी इज ऑल्सो ब्लैक, द रिम इज ऑल्सो ब्लैक। अगर लाइट बंद करते हो ना देखो ये, तो देखो अंदर देखो शाइन दिख रही है आपको। हाँ हाँ, वो डे टाइम पे भी ना वो ब्यूटी उसकी बनी रहे। और इसकी रिम भी ब्लैक है, जिससे जनरली लोगों की व्हाइट रिम होती है, एसएस रिम होती है, या ब्लैक ली है जिससे कि वो ब्यूटी बनी रहे, एनहांस रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे दो आप भाई को, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे दो और देखो फिर काम कैसे 100 की स्पीड पे चलेगा। अंगद का फोन आया, वैसी बात बना के कह रहा है, अंगद कह रहा है यार काम थोड़ा स्लो चल रहा है। अंगद ने जब के नहीं बोला, बोला अंगद ने काम स्लो चल रहा है, बोला उसने। क्रॉस वेंटिलेशन के थोड़ी शीशे लगा देगा, बस शीशे नहीं मतलब खुलनी चाहिए। भाई का मतलब ये था कि सिर्फ ऐसा ना हो, सिर्फ आपने बंद ग्लाइडिंग कर दी है, ग्लास ही ना लगाओ मुझे। अच्छा सुनो एक चीज, साथ साथ मैं बताऊं, एक ना वो जो जाली भी आती है ना, वो जाली वाला, वो जाली प्लस शीशा, दोनों दोनों ने चाहिए। 3000 वापस कर इसके। ना जाली जरूरी है, इतने मच्छर हैं यार, वेंटिलेशन कैसे करेंगे। प्लीट मैच नहीं, हम प्लीट मैच का ट्रैक देते हैं, क्लाइंट अपने हिसाब से प्लीट मैच लगाता है। वो हमारी लगा दे, लगा दे भाई जो एक्स्ट्रा होगा, मतलब जाली के बिना काम मत करवाइयो। मच्छर इतने इकट्ठे हो जाए गर्मी में, अरे ये मुंह को लेकर हो जाएंगे सारे मच्छर अंदर गए। नहीं बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो बाय डिफॉल्ट होता है यार, हर कोई बंदा फ्लैट देने जाए उसके अंदर भी जाली होती है। वी हैव बुक्ड अ ब्रांड फॉर यू व्हिच इज गिविंग 3 ट्रैक्स। अच्छा राइट, जनरली आजकल प्लीट मैच का कंसेप्ट खत्म हो गया है, वो एलिवेशन खराब करता है। 3 ट्रैक्स हम इसलिए देते हैं कि सपोज इफ अ क्लाइंट वांट टू मेक अ प्लीट मैच, तो उसके पास प्रोविजन हो, उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ अटैचमेंट अलग से करानी पड़ रही है। अच्छा, प्लीट मैच कंपनी को ऑर्डर करा, वो आ जाएगा। आपको अपने फ्लोर पे चाहिए, हम डे वन से ऑर्डर कर देंगे। कर दो, कर दो, कर देंगे, चाहिए चाहिए बिना जाली के। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी, ये जो है ना पैनल, बड़ा लग रहा है जो पैनल है, मतलब फुल वॉल तो नहीं है शायद, मगर अच्छा बड़ा है। फुल वॉल का मतलब क्या होता है, फुल वॉल का मतलब होता है कि यू हैव गॉन टू द एक्सट्रीम हाइट ऑफ योर, अच्छा ठीक, फ्लोर राइट, ठीक है, दिस इज 11, तो यू हैव गॉट योर 11 फीट हाइट राइट। उसके बाद फुल वॉल का मतलब होता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली आपके 8x4 के दो बोर्ड होते हैं और दो बोर्ड आपके फिट हो जाए, दिस हैज टू बी 8 मिनिमम। चलो ये तो हो गया, मगर दूसरे वाले रूम में छोटा नहीं, वो छोटा नहीं लग रहा आपको, उसका डिजाइन दिखाता हूँ उसके साथ, वो इससे भी बड़ा है। एक मिनट देखो ना, ये यहाँ पे लकड़ तो जो है ये तो छोटी लग रही है, वो भी छोटा है, लकड़ छोटी है, यहाँ पे फ्रेंच मोल्डिंग है, ये देखो फ्रेंच मोल्डिंग का ड्राइंग बनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये ड्राइंग अगर आपको ये ठीक दिख रहा है, वन मोल्डिंग, टू मोल्डिंग, फिर वन मोल्डिंग, फिर टू मोल्डिंग, राइट, दिस इज गोइंग टू बी फ्रेंच मोल्डिंग है, ठीक है, अगेन द फ्रेंच मोल्डिंग है, ओके ओके, दिस इज गोइंग टू बी 8 फीट, ठीक है, पूरी फ्रेंच मोल्डिंग, यस ठीक है ठीक है। ये वुड है, ये फ्रेंच मोल्डिंग है, वो भी वुड में बनेंगी, ठीक है। और इसके जो पिक्चर्स है ना एलईडी पैनल्स के, जो एक्चुअल पिक्चर्स है कि हाउ आर यू गोइंग टू लुक आफ्टर फिनिशिंग, वो हमारे पास 3Ds हैं, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, आप डाल सकते हो। अब आपने कह दिया कर दूंगा तो कर देना वीडियो जाने से पहले, अभी कर दूंगा ना, अभी राकेश आपको शेयर करवा देता हूं। हां ठीक, ये देखो, ये देखो, अच्छा मेरे पास है, सॉरी सरब जी, जी एसी उसके पैनल के साथ दे रहे हो, एसी थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है ना, ओ तेरी बच गया, ऐसे नजर लगाओगे। ये मोल्डिंग्स जो भाई कह रहा था नहीं लगी हुई, मोल्डिंग्स लगी पड़ी थी ये सारी, अच्छा, और ये मोल्डिंग पेंट भी हो गई थी, ये भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, तो आपने ये हटवाई है, ये देखो ये मोल्डिंग पेंट हो गई थी, अच्छा, राइट, हाँ। कोई झूठ नहीं है, और ये आपने हटवाई क्या, मेरे को और बढ़िया चाहिए, आई वाज नॉट कम्प्लीटली सैटिस्फाइड, ठीक है ना, और इसको वेरीफाई करने गया, दरवाजा यही है ना, यही है,
जो ये चौखट व्हाइट पेंट तो रखी है ना, इसके साथ ही मोल्डिंग है और ये रिंग मोल्डिंग हटवा रखी हो तो साफ पता लग रहा है। हटवाई ये मोल्डिंग, हाँ जी अच्छा ये मोल्डिंग हटवाई है। मतलब वी गो फॉर दैट एक्सपेरिमेंट आल्सो, इफ वी फाइंड कुछ अच्छी नहीं है तो हम पैसे की परवाह नहीं करते, हम तोड़ देते हैं। ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कहते हैं उसको। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन तब होती है जब क्लाइंट आगे देखता है, जब क्लाइंट ने हम पे इतना 100% ट्रस्ट कर रखा ना, तो अभी सोच के बना रहे हैं अपने लिए बना रहे। बाकी जी अगर आपने भी सरब जी जी से काम करवाना हो या इनकी बनी हुई कोई चीज देखनी हो, लेनी हो, इनकी इन्वेंटरी हो जिस तरीके से मेरा बना रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस जो है मैं यहाँ पे नीचे शेयर कर रहा हूँ। ये फ्रेंच मोल्डिंग होगी, ठीक है, ये आपका एलईडी हो गया, ये फिर फ्रेंच मोल्डिंग होगा। ओके ओके, इसमें लाइट्स के पॉइंट्स भी दे रहे हैं, आपको पॉइंट्स दे रहे हैं लाइट्स आपने लगाई, जैसे वो टीवी लगा हुआ वो भी लगवा के दे रहे हैं। सर वो हमने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए गिफ्ट छोड़ रखे हैं, गिफ्ट भाई से आप आओगे इनॉग्रेशन पे तो आप फ्रिज लाओगे, टीवी लाओगे, वो कहाँ लगेगा? अरे हमारा भाई तो जान भी आप दे तो इसमें भी प्रॉफिट हमारा है। सुनो अच्छा गिफ्ट जाएगा ना, हम सब लेते रहेंगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है उसमें से कुछ शेयरिंग करो ना भाई के लिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट और दो बढ़िया बढ़िया भाई, बताओ कैसे इसी वैसे लगा के दे रहे हो पूरे घर में। टैलेंट टू बी प्रोफेशनल, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना तब तू बनता, ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने इतना कुछ डलवा दिया, एसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, इसी पैसे लेने पड़ेंगे, मगर सर एसी आप मेरे को डीलर प्राइस पे खरीद के लगवा दो, इन्होंने बोला था बताया। ओके बड़ा सुंदर है यार। देखो ये आपके जितने भी एलईडी पैनल है सारे के सारे ना क्लियर टू स्काई है, देखो नीचे कोई पैर नहीं है किसी भी एलईडी, हाँ क्लियर टू स्काई है, ठीक है सफाई के लिए आराम रहेगा ना, बंदे को वैक्यूम झाड़ू पोछा वगैरह मारना हो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। यार ये एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे ना, वो क्या हो रहा बंद करना पड़ रहा है, क्यों ये बोलने वाली बिल्कुल गंदी बात है, बोलने वाली नहीं है। जनरली आपने वॉक इन क्लोजेट्स के अंदर जो फैब्रिक माइका देखी होगी ना वो व्हाइट होती है, प्लेन होती है, तो हमने आप ये देखो हमने आपके लिए ना बिल्कुल टेक्सचर्ड माइका मंगाई है, सो दैट वार्डरोब शुड लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आल्सो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके सो आई वांट कि जो टीडी फैमिली देख रही है एंड समबडी इज गोइंग फॉर दिस, तो वो अंदर फैब्रिक माइका लगा सकते हैं तो ब्यूटी रहेगी। ओके कल को आप इस पे ग्लास डोर्स लगाते हो कुछ भी लगाते हो तो ब्यूटी शुड एनहांस। हां वो भी ऑप्शन होती है ना कि भाई आपने कैबिनेट के ऊपर अगर ग्लास वाली वो लगवानी है, वो बस थोड़ा ये अपग्रेड की कैटेगरी के अंदर है, पैसे उसके फालतू लगेंगे बट हम अभी फिलहाल बेसिक पे ही हैं। खुशबू आ गई भाई साहब समोसों की, हां पहले आप उधर खाओ, नहीं नहीं हम इधर हैं। लो सो बंदा जी बाकी अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है पत्थर का भी टेक्सचर वगैरह कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे ये कनेक्टेड है आपस में, लाइनें जुड़ी हुई हैं, बट ये तो जब घिसाई वगैरह हो जाएगी तब पूरा पॉपुलर पता लगेगा, प्रॉपर पता लगेगा, बट ये है कि अभी किचन में कुछ नहीं हुआ। मोटे कामों में तो सर अभी बाथरूम के काम बाकी हैं, टाइलें और किचन का मेन सबसे मोटा काम बाकी है। ऑर्डर्ड है यार, आपकी मम्मा ने डिजाइन अप्रूव कर रखा है। हाँ ठीक है, तो वो तो यार दिखा रखी है, आपने कलर कॉम्बिनेशन ओके कर रखी है, आपके लिए किचन बाकी है। कलर कॉम्बिनेशन ओके नहीं करी, वो तो देखी थी शॉर्टलिस्ट करी, ओके फाइनल थोड़ी करी। ओके हाँ तो उसको भी ओके कर देते हैं, फिर उनके पास चलते हैं सरदार जी के पास, चलो और कलर कॉम्बिनेशन ओके करवा लेंगे। इस रूम में एक चीज बहुत ही खूबसूरत लगी है, ये जो पीओपी है ना, पीओपी में ये गुलाई दिया, हाँ कर्व दिया हुआ है, हाँ पीओपी में बेंड है यार, सही बात है, मैंने नोटिस किया। ये सारे फ्रेंच डिजाइन है, ये सारे फ्रेंच डिजाइन है पूरे घर में, आपको दिखाऊंगा, मुझे लगा शायद इस बारीकी को आप लोग नहीं देख पाओगे, पर शकुंदर जी आजकल घर बनवा रहे हैं ना, रेनोवेशन कुछ भी नहीं करवा रहे, बहुत अच्छी बुक दी है, सॉरी सॉरी फ्रेंच स्टाइल है, मैजेस्टिक सीलिंग कहते हैं इसको, प्लेन सेटल्ड। ओके ये देखो ये बैंक्वेट लुक है, ये भी फ्रेंच डिजाइन है, उसके बाद फ्रेंच डिजाइन के ऑफिस जितने प्लेन और सेटल्ड डिजाइन होंगे, ये भी प्लेन एंड सेटल्ड डिजाइन है, इसमें प्लस माइनस थ्री सेक्शन है, माइनस प्लस अगेन प्लस। ओके उस रूम के अंदर और ब्यूटीफुल सीलिंग है, अच्छा सारे रूम के सीलिंग अलग अलग। ओके अगेन इसके 8 सेक्शन है, अच्छा एक सेक्शन अंदर अलग है। ओके ठीक है ना, फिर ये सेक्शन इन जा रहा है, इसके अंदर जो टेपर है ना वो ऐसे है, ओके रब नहीं है वो ऐसे है। ओके यहाँ से इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर, इसमें क्या है ये फैन, सेंटर शैंडलर, अगेन फैन, फैन शैंडलर, फैन जब सुकुंदर भाई शैंडलर गिफ्ट करेंगे तो सेंटर में लगाएंगे। ठीक है सुकुंदर जी शैंडलर दाना सर आप का कुछ नहीं करेंगे सर, सब चलेंगे, देख लो रिकॉर्ड पे आ गया, शैंडलर दे रहे हो आप, बिल्कुल दे रहे हैं, टीवी है फ्रिज है चलो ये भी देख लेंगे।
वैसे सर थोड़ा डिस्काउंट की बात करी थी आपने फ्लैट की, आप इसकी वायरिंग देखो कितनी सिस्टमैटिक वायरिंग कराई है हमने कि फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक बार इसे क्लोजअप लगा दो कितनी सिस्टमैटिक वायरिंग हो रखी है फॉर ईच पॉइंट राइट एंड ऑल हैवल्स की जितनी भी एमसीबीज है पूरा पत्थर लगवा के देना आओ सर ₹20,000 मैंने सर को दिए ₹31,000 ये लगवा दे लेकिन जाली जरूरी है यार, बिना जाली के तो ब्रांड लगा रहे हैं ना हम इसमें एल्युमिनियम सेक्शन में प्लेन ही कर सकते हैं, वी आर गोइंग फॉर ब्रांड। अब ये जाली जैसी चीजें है ना ये शुरू शुरू में बंदे को पता होनी चाहिए, जब बंदा कॉन्ट्रैक्ट लिखवा रहा हो कि मुझे क्या क्या, जब नौसिखिया बंदा उसको पता नहीं होता कि भाई इतना डालोगे तो इसका क्या रेट है, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है, कई चीजें स्टैंडर्ड मानते हैं कई चीजें नहीं मानते, कई लोग तो इटालियन भी स्टैंडर्ड नहीं करते। हाँ जी सुखुंदर जी। हाँ जी सर। देखो मेरे को तो इतना पता नहीं, आपको थोड़ा बहुत पता है, लग रहा है कि हो जाएगा ये जो टाइमलाइन हमने सेट करी हुई है अक्टूबर 1? सर थोड़ा टफ लग रहा है। टफ लग रहा है किस वजह से? बाकी खींच भी सकते हैं सर, छोटे छोटे काम काफी निकल आते हैं बाद में। हाँ छोटे छोटे काम बहुत लग रहे हैं, खींचने पड़ेंगे। गुलाटी साहब लाइटिंग कर दी, अब दिन रात में क्या फर्क आता है वो और समझा दो हमें। किचन फिट कर दो, किचन फिट कर दे, और हाँ किचन फिट कर दो, बाथरूम बाथरूम पड़े हैं, टाइलें टाइलें वाले पड़ी हैं, सीट पीट पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपका जो घिसाई है ना, घिसाई मोड पे लाके शुरू कर दो इसको, सीट लगा दो, टाइलें लगा दो, सब लगा दो। टाइल आएगी ना, टाइल भैया 31 तारीख को दिखा दे, मैं जिम्मेदार हूँ 2.5 लाख का तेरे तेरे इनाम का, भैया से लिखवा ले। कह रहा है टाइलें भी लगा दो, घिसाइयां भी कर दो, बाथरूम भी लगा दो, पेंट भी लगा दो, 1 तारीख को शिफ्ट कर जाओ तो करवा दे इसको। इधर 2.5 लाख रुपए में सुनो सारा का सारा घर रेडी हो, इधर कहां जा रहा है, इधर तू गाड़ी किसने बुलाई है, तू ज्यादा चोट रही है, बस की बात नहीं सुन सकता।